नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, पिछली कथा में हमने ये जाना था कि किस प्रकार जो भक्ति है वो नारद जी को अपना दुख सुनाती है और बोलती है कि मैं तो युवावस्था में पहुंच गई हूं, परंतु मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो अभी वृद्ध हो चले हैं और कलयुग के कारण उनका यह हाल हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसी के अगले अध्याय में, इसी के आगे आने वाली कथा में ये जानेंगे कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी क्या उद्योग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोलने लगे, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोपी सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद विमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप में तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी ना कि मेरे भक्तों का पोषण करो, और तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी पर आई और सतयुग के द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वही आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि इसमें कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य की जो है निंदा ही की जाती है। यानी निंदा की जाती है का मतलब पाखंड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ज्ञानी और वैरागी वो है जो अपने आप को केवल प्रदर्शित करते हैं। फिर तुम भी चिंता ना करो, मैं इन नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। ऐसे करके जो नारद जी हैं उन्होंने हौसले वाले शब्द जो भक्ति को कहे। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में तो जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी इस यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति का महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्यन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है, जो श्री गोपीजन जो श्री कृष्ण जी की गोपियाँ थी वो उसका प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म में पुण्य प्रताप के जो भक्ति में अनुराग होता है, कलयुग में केवल भक्ति की सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण ही सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, नफरत करते हैं, वे तीनों लोकों में दुखी दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्ति कहती है कि नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं,
आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वह उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जप पढ़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पढ़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जंभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते वो भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान को याद करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवऋषि इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया, यानी मुझे उसका कुछ मतलब ही समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात की है, यह नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, लेकिन उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना भी मुश्किल है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं गोयोगी राज दारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसके दूर संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी बोले, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वो साधन बताएं। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रस स्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भृगम मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल इससे जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वो दोबारा वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े ही मुझे तो सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है और मुझे किस तरह उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में जो प्रतिष्ठा है वो की जा सकती है। अब जो सनकादि थे उन्होंने कहा, देवऋषि आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हों, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक
और भक्ति योग के भास्कर हैं, सूर्य हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जानी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने मात्र करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित वित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गवादी प्राप्त कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद्भागवत का पारायण है, जिसका गान शुकादि महानुभवों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। सब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो वो कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। इस पर सनकादि बोले, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वो बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, लेकिन इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध से घी रहता है, मतलब दूध में अब जो घी वो रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईक के छोर छोर में बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भगवत की कथा है, ये भगवान पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। इस पर नारद जी बोले, महानुभवों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंजों का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में।